हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दिनांक आज दिनांक होगी 22/9/2020। कक्षा बी एड सेकेंड ईयर और विषय है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण इकाई 2 प्रकरण पढ़ेंगे हम। हम गणित में बीच में अभी पढ़ रहे थे कि अधिगम संसाधन के अधिगम संसाधनों के द्वारा हम एक गणित सब्जेक्ट को एक रुचिकर, एक आनंददायक और एक मतलब कि एंजॉयमेंट बना सकते हैं, मनोरंजक बना सकते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्राथमिक विद्यालय से ही बच्चों के विचारधारा में एक मनोदशा बन जाती है कि गणित एक कठिन शब्द, कठिन विषय है। और एक दूसरी तरफ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो गणित को एक सरल विषय समझते हैं और गणित को अपने जीवन में उपयोगिता को देखते हुए गणित के गणित विषय को आप अपने जीवन के लिए उपयोगी मानते हुए गणित विषय को सरल मानते हैं। तो इस दोनों विरोधाभास में हम ये देखते हैं कि गणित है एक सूक्ष्म प्रधान विषय। आपने देखा होगा कि गणित विषय के अलावा दूसरे विषयों में मनोरंजक होता है, हर तरह की बातें होती है, कहानियां होती है, सब चीजें होती है, लेकिन गणित विषय में निरसता पाई जाती है। गणित विषय में कहीं भी कोई मनोरंजन वाली चीजें नहीं होती, जिससे बच्चा एक बोरिंग महसूस करता है, एक शिक्षण में निरसता महसूस करता है, उदासीनता महसूस करता है और उस विषय से दूर भागने की कोशिश करता है, दूर भागने की करता है, कोशिश करता है। तो ऐसे में हमें एक मनोरंजन पैदा करना है, एक मनोरंजक क्रिया करवानी है, तभी विद्यार्थी के अंदर एक अभिरुचि होगी, एक रुचि जागृत होगी, उसके पढ़ने के लिए एक जिज्ञासा जागृत होगी। लेकिन गणित विषय को देखते हुए एक क्लास में हम ऐसी मनोरंजक क्रियाएं नहीं करवा सकते और ऐसी मनोरंजक क्रियाएं उपलब्ध नहीं हो सकती। तो इस सभी बातों को देखते हुए जिस तरह से एक विज्ञान का क्लब होता है, वैसे ही एक गणित का भी क्लब बनाया जाए। तो गणित में विद्यार्थियों की अभिरुचि बढ़ाने के लिए इसमें मनोरंजन को शामिल किया जाना आवश्यक है। यानी अगर जैसे आज हम करेंगे मनोरंजक क्रिया है, मनोरंजक गतिविधि है, जिसमें आएगा गणित का, ये अलग अलग है और सारे अभी बताऊंगा। गणित का आप सबसे पहले भूमिका है, गणित क्लब की क्या भूमिका क्या है, यानी गणित में विद्यार्थियों की अभिरुचि बनाने के लिए गणित में विद्यार्थियों की रुचि जागृत करने के लिए मनोरंजन को शामिल किया जाना चाहिए। तभी एक शिक्षार्थी उसमें रुचि पैदा करता है। विश्वभर के सभी क्षेत्रों में अवकाश के सदुपयोग और मनोरंजन के लिए क्लबों का बनाया गया है। यानी आज विश्वभर में अवकाश
सदुपयोग, सदुपयोग एवं मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए गणित क्लब बनाया जाता है। गणित क्लब बनाया जाता है, अब इसके बाद गणित अधिक रुचि बनाने के लिए, मतलब गणित में रुचि पैदा करने के लिए आप गणित क्लब बनाते हैं, ठीक है। गणित में रुचि पैदा करने के लिए क्लब स्वयं तो गणित में अभिरुचि की वृद्धि और उनका अनुसरण करता है। क्लब, क्लब क्या होता है कि स्वयं स्वयं गणित गणित में अभिरुचि, गणित में अभिरुचि रुचि की वृद्धि और उसका अनुसरण करता है, उसका अनुसरण करता है और अनुरक्षण करता है। यानी गणित के क्लब अपने आप में गणित विषय में उसको रुचि बढ़ाता है, गणित विषय में रुचि बढ़ाता है, गणित विषय की और उस विषय की अनुरक्षण भी करता है। अनुरक्षण का मतलब है उसकी रक्षा करना, गणित विषय की रक्षा करना। उपयुक्त क्रियाओं के आयोजन के लिए सार्थक मंच भी माना जाता है। उपयुक्त क्रियाओं के लिए यह सार्थक मंच माना जाता है, सार्थक मंच भी माना जाता है। यानी इस मंच के द्वारा, एक इस मंच के द्वारा बालक अपने गणित की, गणित के विषयों को, गणित के सवालों को, गणित की गतिविधियों को समझ सकता है और सॉल्व कर सकता है। अब इसके बाद में क्लब गतिविधियां, अब क्लब की क्या गतिविधियां होती है, दूसरा है क्लब गतिविधियां, क्लब गतिविधियां बता रहे कि क्लब एक्टिविटीज, यानी मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए खेल क्रीडा पहेली का प्रश्नोत्तरी अप्रिकान जैसे क्रियाएं उपलब्ध है। मनोरंजन क्रियाएं के लिए, मनोरंजन क्रियाओं के लिए खेल क्रीडा पहेली का प्रश्नोत्तरी, उपाख्यान आदि उपलब्ध, जैसी क्रिया उपलब्ध आदि उपलब्ध। किंतु अनुदेश में इन क्रियाओं को नियमित रूप से पर्याप्त समय दे पाना संभव नहीं है, किंतु अनुदेश के रूप में, किंतु अनुदेश के रूप में, के रूप में ट्रैक ट्रैक रूप में प्राप्त समय दे पाना अनुचित है, समय दे पाना पाना संभव नहीं, संभव नहीं।
यानी मनोरंजन क्रियाओं के मनोरंजन क्रिया तो बहुत सारी है, जैसे खेल है, क्रीड़ा है और प्रहेलिका है, पहेली पूछना है, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर के माध्यम से उपाख्यान और बहुत सारी चीजें है। लेकिन इसके अनुदेशन, इनके बारे में अनुदेशन के लिए पर्याप्त समय, पर्याप्त जगह होनी चाहिए, तभी हम उस क्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी विद्यार्थी खेलों का खेलों और क्रीडाओं में पसंद करते हैं। सभी विद्यार्थी खेल और क्रीडाओं को पसंद करते हैं, विशेष रूप से उन खेलों को माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थी पसंद करते हैं, यानी माध्यमिक यानी दसवीं पढ़ने वाले विद्यार्थी इसको ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें रहस्य, कटोल और आचार्य के तत्व मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि हम गणित में कई बार मैजिकल प्रश्न पूछते हैं, कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं, छोटे बच्चों को प्रश्न पूछते हैं, तो उनको जानने की एक जिज्ञासा होती है, एक मतलब पता करने की जिज्ञासा होती है कि इसका क्या होगा। भाई आज मेरा ही बच्चा है, अगर मेरे बच्चों को अगर मैं कोई सवाल देता हूँ गणित का या मैजिकल प्रश्न पूछता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक बार बार पूछते हैं कि पापा इसमें क्या होगा, पापा इसमें क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यानी एक हम अगर गणित विषय को मनोरंजन के रूप में बताया जाए, मनोरंजन के रूप में पढ़ाया जाए, तो शायद विद्यार्थी के अंदर एक रुचि जागृत होती है, और फिर जब विद्यार्थी के अंदर रुचि जागृत होती है, तभी एक शिक्षक को पढ़ाने का मजा आता है, शिक्षक को शिक्षण करवाने का मजा आता है। यदि क्लब के द्वारा आयोजित इन क्रियाओं को संदर्भ कक्षा शिक्षण में दिया जाए और उनकी संप्रभुताओं, समस्याओं के साथ समाधान के बारे में बताया जाए, तो गणित के विद्यार्थियों की अभिरुचि आवश्यक रूप से बढ़ी जा सकती है। यानी हम एक गणित के शिक्षण में हम उन चीजों को नहीं बता पा रहे हैं या उन चीजों को नहीं करा पा रहे हैं, तो हम गणित के क्लबों के माध्यम, गणित क्लब के माध्यम से, उनको अनुदेशन के माध्यम से, इनको खेलों के माध्यम से, हम गणित के प्रति एक छात्र की जो रुचि होनी चाहिए और रुचि को जागृत करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्लबों को की बोला की होती उपयोगिता होती है। हम अगला वीडियो अगले विषय पर पढ़ेंगे।